भदोही जनपद में आज थाना भदोही के क्षेत्र निवासी जो परेशान व पीड़ित एजाज अहमद जो अधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गए, पर आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारियों को पत्र सौंपकर जालसाज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पत्रकारों को पीड़ित एजाज अहमद ने बयान देते हुए कहा कि भदोही थाना क्षेत्र के सरदार खान मोजा बुड्ढा पट्टी निवासी एजाज अहमद पुत्र हाजी सुल्तान ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारियों को सौंपे गए पत्र में पीड़ित ने पत्रकारों को बताया कि अर्जी नंबर 1/4 व अर्जी नंबर 1/5 का मूल मालिक सिद्धनाथ पुत्र रामकिशोर से उनके संपूर्ण अंश को वर्ष 2016 में बेनाम कराया गया था। बेनाम के आधार पर सिद्धनाथ की जगह प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया था, किंतु एक तथाकथित व्यक्ति द्वारा जालसाज करते हुए अपना नाम अंकित कर लिया है। बोलना है क्या? जो बिना किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। भदोही जनपद के मुख्यालय ज्ञानपुर में जिला अधिकारी महोदय जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पे हम आज उपस्थित हैं, और आज यहाँ उपस्थित हैं आए हुए सभी परेशान या पीड़ित भाइयों यहाँ पे हमसे मिले हैं, और इनसे हम समस्या के बारे में पूछेंगे और आइए जानते हैं कि क्या समस्या है, क्यों आए हैं जिला अधिकारी महोदय से मिलने के लिए। पत्रक भी इनके हाथ में है और हम दिखाना चाहेंगे। देखिए पत्रक है, यहाँ जिलाधिकारी महोदय जनपद भदोही इनके द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं भदोही का रहने वाला हूँ। क्या समस्याएं हैं? समस्या सर ये है कि भदोही में राजस्व विभाग के अंदर कुछ कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह से लिपापोती और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वहाँ पे एक दो कर्मचारी ऐसे हैं जो पूरे भदोही जिले के लोगों को अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी है कि आप देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। आपने कभी सुना तक नहीं होगा कि ऐसी घटना घटित भी हो सकती है। 1376 बंदोबस्त आप देख रहे हैं किस तरीके से, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अलग सिहाई से अलग राइटिंग में यहाँ पर नाम डाला गया है। आप देख सकते हैं ये बीच में दिखाई दे रहा है, अलग सिहाई अलग नाम है। और यही नहीं, ला करके जो पीछे सिग्नेचर है ये आपका ओरिजिनल सिग्नेचर है पीछे अधिकारियों का। उसी तरीके से आप देखेंगे जब ये ओरिजिनल सिग्नेचर है इसके पक्ष में, उसके लिए यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया। 1376 डिमार्केशन फार्म यू एंड ए 3 और 4, फार्म यू 3 और 4 अलग होता है जबकि ये एक ही में है, और कागज चस्पा करके नीचे जो अधिकारी का सिग्नेचर है वो जो है बिल्कुल अलग है। उसके नीचे भी आप देखेंगे जो सन है लिखा हुआ 20/1/2021, और हमारे में जो भी देखेंगे 20/10/21 ही आएगा, लेकिन फर्क बहुत सारा है। सेम डेट है, सेम चीज है, लेकिन आप देखेंगे फर्जीवाड़े की इंतहा हो गई है। आप ये समझ लीजिए कि भदोही में जब से सिद्धनाथ थे उन्होंने बेईमानी की हदें पार कर दी और हमारे मामले में इस तरीके से हाथ लगाया। नसीर कुरैशी का इन्होंने साथ दिया, नसीर कुरैशी एक न्यूज़ चलाते हैं और उसी के दम पर इन्होंने इतनी बड़ी घटना घटाई। आपको मैं बताता चलूं कि जब से ये आए हैं नसीर कुरैशी और वह ये चले गए थे सोनभद्र जाने के बाद इनको 3 साल भदोही में रहने के बाद सोनभद्र गए हैं, 4-6 महीने के बाद वापस भदोही में फिर आ गए और फिर वही घटना शुरू कर दिया इन्होंने। हमारे जितने भी लोग मदद करना चाह रहे हैं ईमानदारी की मिसाल राजस्व विभाग में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी की मिसाल है, लेकिन एक दो लोग को छोड़ करके बाकी सारे ईमानदार हैं। ये एक दो लोगों ने पूरे गंधक बना रखी है और इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके पैसा कमा रहे हैं। इनको हटाना जरूरी है और जिला महोदय ने कहा है कि मैं इसकी पुलिस से जांच कराऊंगा, इस पे एक्शन लिया जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से मिला हूं, उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है और पत्रक को अपने बगल में दे करके उन्होंने मजिस्ट्रेट चेकिंग की बात कही है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा वायरल कीजिए और इसके खिलाफ हमें लड़ाई और जंग लड़नी है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले और अगला अगर गलत हूँ तो सजा मिले, दोषियों को सजा मिले। जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। धन्यवाद, नमस्कार।